사령 비싸 사령대. पिपरासा को चांस नहीं मिला, 70 साल से पिपरासा को चांस नहीं मिला कि हम लोग 20 सीट का बाहर फाइट करें इलेक्शन। 70 साल हो गए, पहला बार एक आंचलिक पार्टी निकला है जो 20 सीट से भी बाहर अपना पिपरासा को एक चांस दे रहा है कि अनारस में आंचलिक पार्टी को आप वोट करें। पहला बार जब बुबागरा आया था तो हमने क्या बोला था कि हम लोग 20 सीट में नहीं, हम लोग 35-40 सीट में फाइट करेगा, बोला था कि नहीं। सुरमा में 15,000 पिपरासा लोग है, अगर पिपरा मोथा फाइट ये इलेक्शन में नहीं करता तो 15,000 पिपरासा को
अपना तिपरा मोथा में वोट देने का चांस नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि तिपरा मोथा फाइट कर रहा है, आपका वोट इस बार 100% तिपरा साहब के पास जाएगा। बुमागरा ने पहले बोला था, आज भी बोलेगा, इलेक्शन में कुछ भी हो जाए, इलेक्शन में कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा। लेकिन सुरमा में बुबागरा पिपरा मोथा इस बार फाइट करेगा, और इस बार अगर थनसा रहा, अगर थनसा रहा, बाबूराम सतनामी कहां है आप, यहां सामने आइए, आपका हिंदुस्तानी का भी थनसा चाहिए। सलाम वालेकुम, सलाम बोलने से नहीं होगा, थनसा कॉकबोरक में एक शब्द है, आप लोग सीख लो, उससे मुसलमान हिंदुस्तानी चा बागान मणिपुरी एससी का थनसा लेकर ये बुकुमारा पार्टी, ये बुकुमारा पार्टी अब सिर्फ 20 सीट में फाइट नहीं करेगा, त्रिपुरा के लिए पूरा त्रिपुरा में हम लोग फाइट करेगा। ठीक है, किसी ने बोला था त्रिपुरा मोथा तो चिकन पार्टी, चिकन पार्टी कौन फाइट कर रहा है यहां में, तृणमूल कहीं भी नहीं है, सीपीएम नहीं है, कांग्रेस ने प्रार्थी नहीं दिया, आज अगर यहां में बीजेपी को कोई टक्कर दे रहा है ग्राउंड में तो वो त्रिपुरा होगा। बीजेपी पावर में आया 2018 में, 2018 में बीजेपी पावर में आया, आया कि नहीं, उसके बाद असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीता, लोकसभा बीजेपी जीता, म्यूनिसिपल इलेक्शन बीजेपी जीता, सिर्फ एक इलेक्शन में बीजेपी हारा, कौन सा इलेक्शन, बुकुमबारा का इलेक्शन। जो लोग हम लोग को बोलता है चिकन पार्टी, जब डायरेक्टली हम लोग का संग फाइट किया तो क्या हुआ, खत्म हो गया। आज हम अपना टिपरा साहब को बोल रहे हैं, डरो मत, आपका संग आपका बुबागरा खड़ा है। सबको लगा बुबागरा नहीं आएगा सुरमा में, हॉस्पिटल में है, अभी हमारा चेयरमैन बोल रहा था जगदीश वर्मा, हमारा चेयरमैन बोल रहा था महाराज ज्यादा जोर से बात मत करो, आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, आप हॉस्पिटल में है, सामने पिपरासा लोग है, ये बुबागरा दिल से बात करता है। पॉलिटिक्स में आया रंग कमाने के लिए नहीं आया, पॉलिटिक्स में आया राजनीति में आया पद लेने के लिए नहीं आया, राजनीति में आया अपना संपत्ति बनाने के लिए नहीं आया, राजनीति में आया टिपरा साहब को ग्रेटर टिपरा लैंड देने के लिए आया। जो लोग आता है अभी आएगा, बीजेपी लोग आएगा, रंग लेके आएगा, रंग लेके आएगा, फेंकेगा, लो बाप का पैसा नहीं है, आपका पैसा है, ले लो ले लो, लेकिन ये अनारस है ना, देखो 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 ये अनारस है ना, कहा है ना, उनका भी निकालो, कोई पार्टी चाइना का, कोई पार्टी दिल्ली का, कोई पार्टी कहीं और का, बंगाल का, ये अनारस 100% लोकल तिपरासा का है। आप लोग वोट करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, इस बार ना 23 तारीख को रख दो जीतने के बाद कोई नहीं खा सकता, सीपीएम का सिंबल को खाने से पेट कट जाएगा, अनारस को तो खा भी सकता है, ये आपका है। 23 तारीख को ये लोग का गुंडा वही नहीं आएगा मोटरसाइकिल में, आएगा कि नहीं,
कौन काउंटर करेगा? यस हम। कौन काउंटर करेगा? हम। इनका गुंडा के लिए ना, इनका गुंडा के लिए हम लोग को सैकला छलाका दरकार नहीं है, हम लोग का बुरी बुमाई ये लोग मोटरसाइकिल में घूमता है, अपना आपको हीरो समझता है, हीरो समझता है। आप लोग ना चप्पल निकाल के इनको डंडा देना। हम लोग का पिपरा सा एरिया में ये लोग जो गुंडा लोग घूम रहा है, धमकी देता है, बोलता है वोट कर तो पारे ना, हम लोग का बुरी बुमा ही उनके लिए काफी है। 23 तारीख को आप लोग सवेरे उठ के जाओ और आंख बंद करके पिपरा माथा को वोट करो। इस बार अपना वोट बर्बाद मत करो। सीपीएम नहीं जीत रहा, तृणमूल नहीं जीत रहा, कांग्रेस नहीं है, सिर्फ पिपरा माथा है जो कॉन्टेस्ट कर रहा है, पिपरा माथा। और दो महीने के बाद यहां में और एक इलेक्शन होगा, विलेज काउंसिल इलेक्शन। जो लोग बात कर रहा है कि तिप्रायण होवे ना, ग्रेटर तिप्रायण होवे ना, यहां में 2 महीने के बाद विलेज काउंसिल इलेक्शन है। जो लोग बड़ा बड़ा बात करता है ना, बुबागरा को रोकेगा, बुबागरा का बेइज्जती करेगा, करो। ये प्रद्युत विक्रम माणिक्य वीर विक्रम का नाती है, फाइट करना जानता है। और ये प्रद्युत विक्रम माणिक्य अपना लिए, अपना स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं आया है, पिपरा सा को कुछ देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं। आपको बहुत प्यार किया, आपको बहुत प्यार किया, आपके लिए बहुत बेइज्जती भी हुआ, लेकिन मैं समझ चुका हूं 7 महीना बाकी है। 7 महीने के बाद त्रिपुरा में, पूरा त्रिपुरा में इलेक्शन होगा, सिर्फ 7 महीने के बाद। सब लोग बोलता है कि त्रिपुरा माथा गवर्नमेंट नहीं बना सकता, सिर्फ 35 सीट पे फाइट करेगा गवर्नमेंट कैसे बनेगा, 40 सीट पे फाइट करेगा गवर्नमेंट कैसे बनेगा। हम आपको बोल रहे हैं त्रिपुरा माथा के बिना त्रिपुरा में कोई गवर्नमेंट बना ही नहीं सकता। और बुबागरा आपको एक बात बोल रहा है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, नो कॉम्प्रोमाइज। पूरा जिंदगी हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज किया, पूरा जिंदगी हम लोग ने त्रिपुरा सा को बेच के अगरतला में राजनीति किया, इसके लिए आज अपना ही हां में हम लोग नीचे है। लेकिन थम साउंडे जो लोग बोलता है त्रिपुरा लैंड होवे ना, आमी उनादर चैलेंज करते पारे कि एक दिन आएगा जब यहां में बुरी बुमा लोग महाराजा का माथा में टीका लगाकर ये हानी बुसा को चिनिया शासन करेगा। और ये लोग क्या करना चाहता है, थमसा तोड़ना चाहता है। हमेशा थमसा को तोड़ो, थमसा नहीं टूटेगा। अगर पिपरसा को कुछ चाहिए, अगर यहां में मुसलमान को कुछ चाहिए, अगर हिंदुस्तानी को कुछ चाहिए, आपको हमेशा बोला गया आप हिंदुस्तानी है, चा बागान में काम करो, चा बागान में। पिपरा सा हिंदुस्तानी पूरा जिंदगी, हमारा बच्चा लोग चा बागान में काम करेगा, बकरी को रखेगा, मुर्गी को रखेगा। और अगरतला में बच्चा लोग कंप्यूटर सीखता है, क्यों? हम लोग का बच्चा क्या कंप्यूटर नहीं सीख सकता? पूरा जिंदगी ये लोग बोलेगा कि पिपरा सा जनजाति को ग्राम में रखो,
जनजाति को शिक्षा मत दो, जनजाति को अगर बिजली आएगा वतु आएगा तो घर में बिजली नहीं, पांच पांच दिन तक बिजली नहीं आता। अगर तला में अगर एक घंटा के लिए भी वतु आया बिजली गया, ओ अरे पंखा चल से ना की हो में, और यहाँ में पांच पांच दिन तक वतु आने से हम लोग का घर में बिजली नहीं आता। और हाँ किसका है, हाँ किसका है, तो अधिकार किसका पहला होना चाहिए, हाली भूषा का अधिकार होना चाहिए। और ये 2022 है, आज हम लोग का बुरे लोग, हम लोग का बुरा लोग, हम लोग का तिपरा सा चला बुरा लोग, हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट कर सकता है। यहाँ में हमारे पास सब लोग हैं, मेवार जमतिया का बीवी गीता है, फेरांग फेरांग देव वर्मा ये बीजेपी से था, यहाँ हमारे साथ है, विश्व के तो वो हमारे साथ है, विजय कुमार रंगो जो एमपीडी का प्रेसिडेंट था हमारे साथ है, जगदीश देव वर्मा जनरल सेक्रेटरी एमपीडी का आज तिप्रा बोता है, चित्तरंजन देव वर्मा तिप्रा स्टेट पार्टी आज तिप्रा बोता है। यहाँ में आज कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ जाति है। आज थनसा हो रहा है और जो दो तीन लीडर लोग जो थनसा का अगेंस्ट है, क्यों थनसा का अगेंस्ट है, रंग, इनको रंग चाहिए, रंग लेके आज एनआरसी केस बंद हो गया, क्यों, रंग किसी और से ले लिया, ये लोग हम लोग का दोफा को बेचता है। आज मैं आपको बोल रहा हूं, टिप्रासा और बेकूफ नहीं बनेगा, टिप्रासा हिंदुस्तानी मुसलमान एससी चा बगान में जो काम करता है 10,323 सब एक होकर, बाबू राम सपना में मेरा कैंडिडेट है, ये 10,323 का है। और बाबूराम आपको दो चीज करना है अगर आप इलेक्शन जीतता है, पहला आपको असेंबली में जाकर 10,323 के बारे बात करना होगा और चार बगान के लिए बात करना होगा, और दूसरा हम लोग का जो डिमांड है ग्रेटर पिपरा लैंड का, उसको भी हम लोग का आइडियोलॉजी से हम लोग हट नहीं सकता है, वो भी आपको असेंबली में बात करना होगा। हम लोग कोई जाति के खिलाफ नहीं है, हम लोग बंगाली के खिलाफ नहीं है, हम लोग मणिपुर के खिलाफ नहीं है, हम लोग कोई जाति कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, हमने हमेशा जो किया है वो खुल्लम खुल्ला किया है, हम सबको प्यार करते, सबको आदर करते, आप लोग भी सबको प्यार करो। और जो लोग हिंदू मुसलमान बंगाली तिपरासा क्रिश्चियन हिंदू करके राजनीति करता है ना, उनको इस इलेक्शन में हराओ, ये लोग ने तिपरासा को डिवाइड एंड रूल किया, ये लोग ने जमतिया देव वर्मा किया, ये लोग ने रियांग काइपेंग किया, ये लोग ने मोलसॉम कलोय किया। आज जब बुबाग्रा बात करता है तो 19 का 19 दफा के लिए बात करता है, मेरा बुबाग्रा एक लॉकडाउन, एक बार दिल बोल दो ऐसा आए एक लॉकडाउन, एक बार बोल दो तीसरा दफा आए एक लॉकडाउन, एक बार बोल दो अपना ब्रुई बुमा आए एक लॉकडाउन, एक बार बोल दो ऊपर में आप लोग है, आपका महाराज आपका बुबाग्रा महाराज नहीं है, एमडीसी बोलता है, कोई बोलता पुर्दूत बोलता, प्रद्योत भी नहीं बोल सकता, हाँ गाली दो बुबाग्रा को, गाली दो मेरा पुतला को लात मारो, अगर हिम्मत है ना, अगर हिम्मत है तो सामने खड़ा है, ओ
तो लात मारने से क्या मिलता है, आए? क्या मिलता है? सामने खड़ा है, सामने मारो ना। दो मिनट में हिलने लगता है ये लोग, इसके लिए पुतला को मारता है। हिम्मत है, अपना राजा सामने खड़ा है, आओ सामने, नहीं फेसबुक में लिखेगा, व्हाट्सएप में लिखेगा, अरे क्षत्रिय है ये, क्षत्रिय सर। कभी किसी के नीचे महाराजा का, त्रिपुरा का महाराजा ने किसी के सामने सर नहीं झुकाया, त्रिपुरा सा का सर उठाया। आज मैं दिल्ली जा सकता हूं, देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी बात कर सकता हूं, लेकिन जब मैं बात करूंगा तो मैं त्रिपुरा सा बन के, त्रिपुरा का बुबागरा बन के बात करूंगा, हाली पुसा बन के बात करूंगा, भीख मांगने नहीं जाऊंगा। और जो हमारा डिमांड है वो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी के खिलाफ नहीं है, किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हम लोग, किसी का अधिकार नहीं छीन रहा है। जिनका जो जगह है उनको रहने दो, हमको अपना लोगों के लिए कुछ अधिकार चाहिए। हम लोग ने कोई पाप नहीं किया, हम लोग ने कोई गुनाह नहीं किया, हमने किसी का पैसा नहीं खाया, हमने किसी को सिर्फ चोरी नहीं किया, हमने सिर्फ दिया है, पैसा ने सिर्फ दिया है और आज भी देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा एक छोटा सा डिमांड वो भी आप नहीं दे सकता है, तो हमारा दिल छोटा नहीं है, प्रासा का दिल छोटा नहीं है, जो नहीं देना चाहता है उनका दिल चिकन है, कि प्रामोटा चिकन नहीं है। 23 तारीख को ये लोग आएगा, आप लोग रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, सब लोग रेडी है कि नहीं? अगर डर गया ना 23 तारीख को, अगर 23 तारीख को आप लोग वहां में अगर आप लोग डर गया ना, तो पूरा जिंदगी डर के रहे। पिपरासा रेडी है? आप लोग वहां में पीछे में जो है वहां में रेडी है? वो और पीछे देख रहे हैं। पिपरासा अगर रेडी नहीं है तो ग्रेटर पिपरालैंड नहीं मिलेगा। हर पिपरासा को इस बार फाइट करना पड़ेगा अपना अधिकार के लिए। आप लोग रेडी हो जाओ। 70 साल से एससी सीट में कोई भी फाइट करो, जिंदगी में एक बार फाइट करो। मैं अकेला फाइट कर रहा हूं, मैं अकेला फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं, एमपी बनने के लिए फाइट नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, पैसा के लिए, रंग के लिए फाइट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं, आप भी अपने लिए फाइट कर रहा हूं। और 23 तारीख को सब लोग इकट्ठा होके निकलो, जो नहीं जाना चाहता है, जो आज भी बोलना चाहता है कि नहीं थंसा होगा, नहीं हम जाके सीपीएम में वोट करेगा, हम जाके तृणमूल में वोट करेगा, हम जाके बीजेपी में वोट करेगा, बीजेपी क्या दे रहा है आपको, सीपीएम क्या दिया आपको, तृणमूल क्या दे रहा है आपको, हम तो आपको अपना हाथ दे रहे हैं, हम तो आपको अपना अधिकार दे रहे हैं, हम आपके लिए फाइट कर रहे हैं, वो लोग अपने लिए फाइट कर रहे हैं, वो लोग एमएलए बनने के लिए फाइट कर रहे हैं, वो लोग एमपी बनने के लिए फाइट कर रहे हैं, वो लोग लाल बत्ती के लिए फाइट कर रहा है, वो बागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। आज मैं हॉस्पिटल से यहां आया हूं, मैं हॉस्पिटल से यहां आया हूं क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं, आपके लिए आज भी फाइट कर रहा हूं। सब लोग खड़े होते हैं एक बार 23 तारीख को। बाबूराम अपनी समझते हैं और आप हमारे हैं, और 23 तारीख हाथ उठाओ, कौन वोट करेगा? वहां में एक बुमा वोट नहीं करेगा, अरे वहां में